हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आज का टॉपिक ये है कि हमें कौन सा पॉट सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ये मॉनसून की सीज़न में। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मिट्टी का पॉट लेना है, या तो हमें ग्रो बैग्स लेने हैं, या तो हमें प्लास्टिक का पॉट्स लेना है। तो कौन से पॉट में फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रो हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरे गार्डन में जनरली आपको सारे टाइप के पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। प्लास्टिक के कंटेनर्स भी मिल जाएंगे मेरे, या फ्रेंड्स ग्रो बैग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और मेरे या फ्रेंड्स मिट्टी के गमले भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं पर्टिकुलर पॉट में ही मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो हो सकता है। पॉट से रिलेटेड फ्रेंड्स, प्लांट की ग्रोथ में आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान देना है, तो वो चीज़ फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, हमें ये देखनी है कि प्लांट्स कौन से पॉट के अंदर अच्छे ग्रो होते हैं। तो अगर आप ये सवाल मुझे पूछोगे तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँगा कि आपके कोई भी पॉट्स आप लीजिए, कोई भी पॉट के अंदर फ्रेंड्स आपका प्लांट अच्छा ग्रो हो सकता है अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान दिया हो। यानी कि सपोज़ मैं सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको मिट्टी के गमले की बात कर लेता हूँ। अगर आपने प्लांट को मिट्टी के गमले के अंदर ग्रो किया है, जैसे कि ये जो देख रहे हैं, ये मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है जो मैंने कटिंग्स के थ्रू ग्रो किया था, और मैंने ये मिट्टी के गमले के अंदर ग्रो किया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो हाइबिस्कस ग्रो बैग्स के अंदर ग्रो किए हैं, इसकी वजह से मेरे हाइबिस्कस इतने अच्छे हो रहे हैं। और ये प्लांट की ग्रोथ देखिए आप, सिर्फ ये प्लांट कितना बुशी बन चुका है, और ये मैंने कटिंग्स के थ्रू ये प्लांट को मैंने ग्रो किया है, और ये एक मिट्टी के गमले में है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आप हाइबिस्कस को ग्रो बैग्स के अंदर ग्रो कीजिए, या तो आप किसी प्लास्टिक पॉट्स के अंदर ग्रो कीजिए, या तो मिट्टी के गमले के अंदर ग्रो कीजिए, वो चीज़ मैटर नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपके आपने प्लांट की सॉइल कैसी दी है, और आप प्लांट के अंदर वाटरिंग कैसे करते हो। तो यहाँ पे ही फ्रेंड्स मिट्टी के गमले और जो प्लास्टिक और ग्रो बैग्स में डिफरेंस आ जाता है। मिट्टी के गमले के अंदर फ्रेंड्स अगर आप वाटरिंग करते हो तो पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है, क्योंकि मिट्टी के गमले के अंदर होल्स रहते हैं, और खुद मिट्टी भी, यानी कि ये जो मिट्टी के गमले की जो मिट्टी रहती है वो भी पानी को बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर सक कर लेती है। जबकि प्लास्टिक के पॉट के अंदर फ्रेंड्स पानी जल्दी सूखता नहीं है, और प्लास्टिक कभी भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से फ्रेंड्स प्लास्टिक के गमले के या तो प्लास्टिक के ग्रो बैग्स के अंदर फ्रेंड्स वाटरिंग बहुत ही लंबे टाइम तक रहती है। तो हमें बस यही चीज़ का ध्यान देना है, वो है पानी देने का। अगर आपके यहाँ प्लास्टिक के गमले हो, या तो आपने ग्रो बैग्स का इस्तेमाल किया हो, तो बाद में आप उसके अंदर पानी डेली मत दीजिए। आप 2 दिन या तो 3 दिन के अंतर में दे सकते हैं, या तो 1 दिन के गैप के अंतर में भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि आपने प्लांट की सॉइल कैसी बनाई है। अगर प्लांट की सॉइल बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुई, चिकनी मिट्टी हुई, सैंड का प्रपोर्शन सॉइल के अंदर बहुत ही कम हुआ, कॉम्पोस्ट का प्रपोर्शन सॉइल के अंदर बहुत ही कम हुआ, तो बाद में फ्रेंड्स आपकी जो प्लांट की सॉइल है वो जल्दी ड्राई नहीं होगी, बहुत ही लंबे टाइम तक वो गीली रहेगी। लेकिन सैंड का प्रपोर्शन फ्रेंड्स अगर सॉइल के अंदर थोड़ा सा आपने 30% या तो 40% जितना रखा, 30-40% जितना आपने कॉम्पोस्ट रखा और बाकी का हिस्सा फ्रेंड्स आपने सॉइल रखा है, तो बाद में आपके जो प्लांट की सॉइल है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगी, मे बी 1 दिन के अंतर में ही ड्राई हो जाएगी। ये जितने भी कोलियस मेरे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरे प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर लगाए हैं, ग्रो बैग्स के अंदर लगाए हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने, समझ लीजिए, ये बारिशों की सीज़न में मैंने पानी दिया ही नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ ऑलमोस्ट 1 दिन में एक बार फ्रेंड्स बारिश हो ही जाती है और प्लांट के अंदर अपने आप ही पानी चला जाता है। समझ लीजिए मैंने 1 हफ्ते या तो 10 दिन हो गए मैंने अपने किसी भी, ये जितने भी प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, जितने भी प्लास्टिक के ग्रो बैग्स हैं, उसके अंदर फ्रेंड्स मैंने वाटरिंग नहीं की, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी उसके अंदर पानी मौजूद है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें पानी नहीं देना होता। तो बस एक ही चीज़ का हमें ध्यान देना है प्लास्टिक के कंटेनर्स और ग्रो बैग्स के अंदर, कि पानी हमें डेली नहीं देना है। हमें पहले, सबसे पहले सॉइल चेक कर लेनी है। अगर सॉइल के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद हुआ, अगर सॉइल ऑलरेडी गीली हुई, तो ऐसी कंडीशंस में हमें पानी नहीं देना है और आपके प्लांट अच्छे खासे ग्रो होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देख ही रहे हैं मेरे कोलियस, मेरे हाइबिस्कस भी देख रहे हैं कितनी अच्छी अभी ब्यूटीफुली ये फ्लावरिंग्स भी कर रहा है और अच्छी खासी ग्रोथ भी कर रहा है। सारे प्लांट्स मेरे ग्रो बैग्स के अंदर हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ग्रो बैग के अंदर हमारे प्लांट्स मर जाते हैं, तो यही रीज़न होता है कि पानी आप अगर डेली दोगे तो बाद में प्लांट्स मर जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड मिट्टी दे दी हो तो भी आपके प्लांट्स ग्रो बैग्स या तो प्लास्टिक के पॉट के अंदर मर जाते हैं। तो अगर आप फ्रेंड्स प्लास्टिक के पॉट और ग्रो बैग्स के अंदर सॉइल प्रोवाइड करते हो प्लांट्स के लिए, तो बाद में हमेशा थोड़ी सी सॉफ्ट सॉइल प्रोवाइड कीजिए जो बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाए। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मैं ग्रो बैग्स के अंदर एक चीज़ करता हूँ, वो है होल्स कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे होल्स मैंने किए हैं, इससे फ्रेंड्स एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाता है। ये जनरली ग्रो बैग्स में एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है,
इसके जो ड्रेनेज होल्स होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही कम दिए होते हैं, यानी कि एक दो यहाँ पे दिया होता है और दो होल्स यहाँ पे दिए होते हैं, ज़्यादा होल्स नहीं रहते, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी बहुत ही लंबे टाइम तक जमा रहता है। तो पानी का निकाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर छोटे छोटे होल्स कर दिए हैं, इससे फ्रेंड्स पानी एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ फ्रेंड्स आप कर सकते हैं ग्रो बैग्स के अंदर, लेकिन प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर तो आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर जो बेस रहता है फ्रेंड्स, बेस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे होल्स दिए होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी होती है कि जब भी आप अपने प्लांट को ग्रो करते हो प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर, तो उसके बेस के अंदर फ्रेंड्स आप अच्छी खासे पत्थर रख दीजिए, अबाउट एक इंच या तो आधे इंच जितना लेयर, यानी कि एक से आधे इंच जितना लेयर आपको पत्थर से कवर कर लेना है इससे, और उसके ऊपर फ्रेंड्स आप मिट्टी भरिए और उसके ऊपर फ्रेंड्स आप अपने प्लांट्स को ग्रो कीजिए। इससे फ्रेंड्स वो जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन्ड हो जाएगा। जैसे ही आप अपने प्लास्टिक के गमले के अंदर पानी डालोगे तो बहुत ही जल्दी वो पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और मिट्टी को भी मॉइस्ट कर लेगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स वाटरिंग करनी चाहिए, ये हिसाब से इसको सॉइल प्रोवाइड करनी चाहिए, और ड्रेनेज होल को अगर आप सही रखोगे तो बाद में आपके प्लांट अगर प्लास्टिक के पॉट्स में हुए, ग्रो बैग्स में हुए या तो मिट्टी के पॉट्स में हुए, कोई भी पॉट के अंदर आप ग्रो करोगे आपके प्लांट 100% अच्छे होने वाले हैं। अब फ्रेंड्स ये तो मैंने प्लास्टिक के पॉट और ग्रो बैग्स की बात कर ली, अब मैं फ्रेंड्स मिट्टी के पॉट की बात कर लेता हूँ कि मिट्टी के पॉट में फ्रेंड्स सॉइल इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक के पॉट्स के और ग्रो बैग्स के कंपैरिजन में फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स ड्राई हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मिट्टी के गमले के अंदर छोटे छोटे होल्स रहते हैं और होल्स की वजह से फ्रेंड्स पानी बहुत ही जल्दी बाहर इवॉपरेट हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि ये जो मिट्टी रहती है, मिट्टी की फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा पानी अपने अंदर सक कर लेती है, इससे सॉइल के अंदर एक्सेस वाटरिंग नहीं रहती और सॉइल बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट रहता है मिट्टी के गमले में। अगर आप न्यू गार्डनर हो और वाटरिंग का अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, अगर आपको ज़्यादा इमीडिएटली पता नहीं चलता हो पानी कैसे देना है, तो बाद में आप मिट्टी के गमले ही प्रीफर कीजिए बजाय प्लास्टिक के ग्रो बैग्स या तो प्लास्टिक के पॉट्स। लेकिन फ्रेंड्स मिट्टी के गमले में अगर आप मिट्टी के गमले को पेंट कर दोगे, जैसे कि देख रहे हो मैंने किया है, ये बारिशों की वजह से ये पेंट सारा निकल गया है इसका, तो अगर आप मिट्टी के गमले को पेंट करोगे तो बाद में उसके जितने भी होल्स रहेंगे वो सारे भर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सॉइल वाटर इवॉपरेशन बहुत ही कम हो जाएगा। और ख़ास करके जब मानसून की सीज़न होती है, जब इवॉपरेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, और अगर आपने मिट्टी के गमले के ऊपर पेंट किया हो तो बाद में आपके मिट्टी के गमले के अंदर से इवॉपरेशन स्लो हो जाएगा, पानी जितना जल्दी सूखना चाहिए उतना जल्दी नहीं सूखेगा। मिट्टी का गमला भी फ्रेंड्स जितना पानी अपने अंदर सक कर लेगा वो भी इवॉपरेशन से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर आपने पेंट किया है तो। तो अगर आप पेंट करते हो तो समझ लीजिए आपको ट्रीटमेंट सेम वही तरीके से देनी है जैसे फ्रेंड्स आप प्लास्टिक के पॉट के अंदर देते हो, सेम तरीके से फ्रेंड्स हमें ट्रीटमेंट मिट्टी के गमले के अंदर भी देनी है अगर आपने प्लांट अगर आपने पॉट को पेंट किया हो। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स आप अपने प्लांट को कोई भी गमले के अंदर फ्रेंड्स अच्छी खासी ग्रोथ पे ला सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स सॉइल और वाटरिंग, अगर सॉइल और वाटरिंग करेक्ट हो तो बाद में आप कोई भी पॉट के अंदर प्लांट को ग्रो कर लीजिए, भले वो मिट्टी का गमला हो, भले वो ग्रो बैग्स हो, भले वो प्लास्टिक का पॉट हो, कोई भी पॉट के अंदर फ्रेंड्स आप अपने प्लांट को ग्रो कीजिए। पानी का ध्यान दीजिए अगर प्लांट की, क्योंकि हर एक पॉट की कंडीशंस अलग अलग होती है, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको समझाया। फ्रेंड्स बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछ रहे हैं कि आपने ग्रो बैग कहाँ से लिए, तो ग्रो बैग का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो वहाँ पे जाके वो ग्रो बैग्स आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स ये डॉटेड ग्रो बैग्स। लेकिन एक चीज़ का ड्रॉबैक फ्रेंड्स ये प्लास्टिक के ये डॉटेड ग्रो बैग्स में है कि उसकी जो कलर्स है, यानी कि ये जो कलर्स देख रहे हैं डॉट के कलर्स देख रहे हैं, वो सारे वॉश आउट हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं ये पुराना मेरा ग्रो बैग है और इसका जो कलर्स है वो जैसे वॉश आउट हो गया है, और ये भी फ्रेंड्स डॉटेड ही है और सारे डॉट्स निकल चुके हैं और सिर्फ वाइट कलर का ग्रो बैग रह गया है। तो अगर फ्रेंड्स आप डॉटेड ग्रो बैग्स लेना चाहते हो तो टेम्पररी फ्रेंड्स वो आपको अच्छा लुक देगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि वाइट कलर के ग्रो बैग लीजिए, वो आपको लंबे टाइम तक सेम लुक देगा। बाकी आपकी इच्छा है कि आपको अगर थोड़े दिन के लिए, यानी कि थोड़े महीनों के लिए आपको एक अच्छा लुक वाला ग्रो बैग चाहिए तो बाद में आप डॉटेड ले सकते हो, तो उसका लिंक फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके वो लिंक पे आप जाके वो ग्रो बैग्स परचेज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन फ्रेंड्स मैंने आप बहुत सारे लोगों का जो बार बार कमेंट्स आता है वो मैंने अभी ये वीडियो में क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।